रामनगरी अयोध्या में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब रामलला को प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिथीन पर लगी रोक को लेकर जिला प्रशासन ने राम जन्मभूमि परिसर के पास बिकने वाले प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण अब प्रसाद को अंदर नहीं ले जाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिथीन पर लगी रोक के कारण पॉलिथीन परिसर में नहीं जा सकता, जबकि राम जन्मभूमि विवादित परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत पारदर्शी पन्नी में ही प्रसाद वस्तु चढ़ाने की अनुमति मिली थी, अब वह भी बंद हो गया। ऐसे में अब रामलला को कोई भी श्रद्धालु प्रसाद नहीं जा सकते। आपको बताते चलें कि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि पारदर्शी पन्नी होने के नाते राम जन्मभूमि परिसर में प्रसाद जाता था, क्योंकि अब बंद हो गया तो रामलला को भी प्रसाद श्रद्धालु नहीं चढ़ा रहे। यह कार्रवाई दीपावली से की गई है और अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी है जिससे प्रसाद पारदर्शी रूप में अंदर ले जाया जा सके, जिसके कारण यहाँ प्रसाद 3 दिनों से ले जाना बंद है। वहीं बताया गया है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद ही सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप दिया जाता था, लेकिन अब न प्रसाद चढ़ता है और न ही श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं प्राप्त हो पा रहा। इसको लेकर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को जल्द ही रामलला को श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद चढ़ाए जाने को लेकर व्यवस्था की जाएगी। नहीं चढ़ाया जा रहा, पारदर्शी वो पन्नी थी, पारदर्शी, और उसी में प्रसाद जाता था। पारदर्शी इसलिए है कि उसकी निरीक्षण हो जाता, देख लेते थे। अब कि चूँकि ये बंद हो गया है, सरकार ने बंद कर दिया, तो प्रसाद किस में धरा जाए, ऐसा कोई अभी उपाय नहीं आया उन प्रसाद देने वालों को, जो ऐसे पन्नी में ऐसे पैकेट बनावें जो पारदर्शी हो। वो बना सकते हैं कागज़ की, लेकिन कागज़ पारदर्शी नहीं होगा, इसलिए सुरक्षा के दृष्टि से और सरकार के आदेश का पालन प्रशासन कर रहा है। उन्होंने जो पॉलीथीन है, बनी है, उसकी बनी उसको बंद कर दिया है कि इसी इसमें न जाए, इसीलिए जो प्रसाद उसमें जाते थे वो बंद हो गए हैं। रामलला का प्रसाद नहीं चढ़ता, और जो प्रसाद चढ़ता था वही प्रसाद रामलला को आने वाले यात्रियों को वितरण किया जाता था। अब प्रसाद उनको 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि न चढ़ रहा न मिल रहा है। अब उसको वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि जैसे राम भगवान राम के दरबार में जाए और उनको प्रसाद न मिले, ये बहुत कष्ट।